वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग पुनः एक बार हाजिर हैं आज कुछ मटेरियल्स लेकर के जो आपके सिविल सर्विसेज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे साहित्यिक स्रोत। हम लोगों का पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने चर्चा किया था प्राचीन भारत, अब यहाँ से आज हम लोग डिस्कस करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। प्राचीन भारत को जानने के लिए विभिन्न प्रमाणों के साथ साथ उनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता पड़ी है, और उन्हीं प्रमाण के आधार पर यह नाम पड़ा प्राचीन भारत। तो आज प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत में अब हम एक शब्द आता है पांडुलिपि। अतीत की पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण उन्हें पांडुलिपि कही गई। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्र अथवा भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। प्राचीन भारतीय साहित्य को समझने के लिए इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे क्रमशः हम धार्मिक साहित्य तथा धर्मेतर साहित्य के नाम से जाना जाता है या समझ सकते हैं। अब आइए समझते हैं धार्मिक साहित्य क्या है। अब धार्मिक साहित्य जैसे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, अब ये क्या क्या हैं, अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के बारे में धार्मिक में आता है, एक ब्राह्मण साहित्य आता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग, उपनिषद, सूत्र, साहित्य, स्मृतियाँ, पुराण, रामायण तथा महाभारत आते हैं। ये ग्रंथ प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का विवरण प्रस्तुत करते हैं। प्राचीनतम ब्राह्मणों द्वारा रचित साहित्य जो है ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। अब वेद पर चर्चा करते हैं। वेद क्या है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, वेदों की संख्या चार है, जिसे हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है और इस लाइन को जरूर याद रखिएगा, इस सब वर्ड को, संहिता। चारों वेद को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। आप कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ वेदा इज ऑल्सो कॉल्ड संहिता, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वेदांग, एक शब्द आता है वेदांग। अब वेदांग के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम पाते हैं कि जो ग्रंथ हमारे हैं, वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए जिन विधि का प्रयोग किया गया, जिन तरीकों का प्रयोग किया गया, उनकी रचना हुई, उसे हम वेदांग कहते हैं। वेद, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, वेदों के अर्थ को ठीक प्रकार से समझने के लिए जिस विधि का, जिस तरीके का को अपनाया गया, उसे हम वेदांग कहते हैं। वेदांग की संख्या छः मानी गई है। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। ठीक है, अब आते हैं, दूसरा आता है उपनिषद। उपनिषद क्या है, वैदिक ग्रंथों के अंतिम भाग हैं। उपनिषद जो हैं वैदिक ग्रंथों के अंतिम भाग हैं, जिनमें अध्यात्म तथा दर्शन के गूढ़ रहस्यों का विवेचन हुआ है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत, ये वेदांत शब्द है, आपको ध्यान रखने योग्य है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या, कुल संख्या 108 मानी गई है, 108 पाई जाती है, जिनमें बृहदारण्यक, कठ, छांदोग्य प्रमुख हैं। अब चलिए सूत्र साहित्य के बारे में आते हैं। सूत्र साहित्य क्या है, अगर क्वेश्चन है सूत्र साहित्य, एक एक शब्द देखिए, जितनी भी हम चर्चा कर रहे हैं, सूत्र साहित्य हो या उपनिषद हो या वेदांग हो, ये प्रत्येक पर आपका प्रश्न बन सकता है, एक प्रश्न जनरेट हो सकता है। तो हम पुनः चर्चा करेंगे सूत्र साहित्य क्या है। सूत्रों में मनुष्यों के कर्तव्यों, वर्णाश्रम व्यवस्था एवं सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। सूत्रों की संख्या तीन है, जिसे क्रमशः हम स्रोत सूत्र, गृह सूत्र एवं धर्म सूत्र के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आता है स्मृतियाँ। स्मृतियों की रचना सूत्रों के पश्चात की गई, इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुष्य के पूरे जीवन काल में संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों की जानकारी स्मृतियों से ही प्राप्त होती है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन है।
मनु स्मृत के प्रसिद्ध भाष्यकार मेधातिथि गोविंदराज तथा कुल्लुक भट्ट और याज्ञवल्क स्मृति के टीकाकार विश्वरूप विज्ञानेश्वर अपरारकादि हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आए हैं और अक्सर आते रहेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के प्रयासों से मनु स्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। और जब मनु स्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो उसे नाम दिया गया द जेंटू कोड। क्या नाम दिया गया? द जेंटू कोड। तो दिस वर्ड इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, जेंटू कोड। अब हम चलते हैं महाकाव्य के बारे में। रामायण पहली व दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में लिखी जाने वाली या रचना की जाने वाली महाकाव्य है, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। इसमें मूलतः 6000 श्लोक थे जो कालांतर में परिवर्तन हुए और 12000 श्लोकों का स्वरूप ले लिया, और फिर कुछ परिवर्तन हुआ और 24000 श्लोकों का स्वरूप ले लिया। इसे जब 24000 श्लोक का स्वरूप ले लिया महाकाव्य, तब उस समय इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहा गया। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड चतुर्विंशति सहस्री संहिता। ओके, यह महाकाव्य मतलब डिवाइड है, कई भागों में विभाजित किया गया है। आप कह सकते हैं कि दिस महाकाव्य इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 7 पार्ट्स, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड एवं उत्तर कांड। ये 7 कांड्स यहाँ पे कितने हैं? इट हैव्स ओनली 7 कांड्स। महाभारत ईसा पूर्व 4th शताब्दी में इसकी रचना महर्षि व्यास ने की थी। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता है, जिसे जय संहिता कहा जाता है। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, जय संहिता। ये कहा? महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता है। श्लोकों की संख्या 24000 होने पर यह भारत कहलाया। गुप्त काल में श्लोकों की संख्या 100000 होने पर यह सत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? आश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। यह महाकाव्य 18 पर्वों में विभाजित है। ये 18 पर्व कौन कौन से हैं, आइए एक एक करके जानते हैं। ये 18 पर्व हैं आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक एवं स्वर्गारोहण। ये 18 पार्ट्स हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? 18 पर्व कहा जाता है। अब चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पुराण की तरफ। अब पुराण क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। जो प्राचीन व्याख्यान थे प्रयुक्त हुए, उन ग्रंथ को हम पुराण कहते हैं। संभवतः 5वीं सदी ईसा पूर्व से 4th शताब्दी ईस्वी तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिनमें विष्णु, मत्स्य, वायु, ब्रह्मांड तथा भागवत पुराण सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व वाले हैं, क्योंकि इनमें राजाओं की वंशावलियां पाई जाती हैं। 18 पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। इसमें सतवाहन वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश तथा वायु पुराण से गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विष्णु पुराण से मौर्य वंश तथा वायु पुराण से गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे चलते हैं। कुछ मार्कंडेय पुराण मुख्यतः देवी दुर्गा से संबंधित है, जिसमें दुर्गा सप्तशती नामक अंश शामिल है। अग्नि पुराण में तांत्रिक पद्धति का उल्लेख मिलता है। इसमें गणेश पूजा का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गणेश पूजा का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। 18 पुराण कौन कौन से हैं, अब चलिए एक एक करके चर्चा कर लेते हैं।
जो 18 पुराण हैं हमारे पास, उनके नाम हैं ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भगवत, नारद, मार्कंडे, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, कुर्म, मत्स्य, गरुण और ब्रह्मांड। रामायण, महाभारत एवं प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी के आसपास हुआ प्रतीत होता है। ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से ही प्राप्त होता है। अब हम अगले पॉइंट्स पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के तीन प्रमुख भाग हैं, यानी हम कह सकते हैं बौद्ध साहित्य कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। तीन प्रमुख भाग हैं जिसे हम जातक तथा पीटक। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों के कथानक वृतांत हैं, जिनमें प्राचीन भारतीय समाज की प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन होता है। जातक कथाएं ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी तक सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालती हैं। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपीटक है जिसकी रचना बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद हुई थी। त्रिपीटक की भाषा पाली है, इनकी संख्या 3 है। यह है सुतपीटक, विनय पीटक एवं अभिधम्म पीटक। त्रिपीटक में ईसा से पूर्व की शताब्दियों में भारत के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। सुतपीटक का विभाजन 5 निकायों में किया गया, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुतर निकाय तथा खुद्दक निकाय में हुआ। विनय पीटक में संघ से संबंधित नियम है, इसके 4 भाग हैं। ये 4 भाग कौन कौन हैं इसे आप जान लीजिए, सुत, विभंग, खंडक, पातिमोख तथा परिवार पाठ। अभिधम्म पीटक में बुद्ध की शिक्षा का दार्शनिक विवेचन है, इस पीटक से संबंधित 7 ग्रंथ हैं जिनमें कथा वस्तु सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम आगे चलते हैं जैन साहित्य की तरफ। प्राचीनतम जैन ग्रंथ पूर्व कहे जाते हैं, इसमें महावीर द्वारा प्रचारित सिद्धांत संग्रहित है। इसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई है। जैन साहित्य में आगामों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्रों को शामिल किया गया है। अब हम और जानते हैं इसके बारे में। संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा की गई थी। आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा की गई थी। जैन साहित्य में पुराणों का भी महत्वपूर्ण स्थान पाया जाता है, जिन्हें हम चरित कहा जाता है, जिन्हें हम चरित के नाम से जानते हैं। ये प्राकृत, संस्कृत तथा अपभ्रंश तीनों भाषाओं में लिखे गए जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन ईसा की 6 सदी से में गुजरात के वल्लभी नगर में किया गया था। आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक पूर्ण सूत्र आदि प्रमुख जैन ग्रंथ हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, धर्मेतर साहित्य। अब ये धर्मेतर साहित्य क्या है, इसके बारे में जानते हैं। धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है, जैसे पाणिनि के अष्टाध्यायी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, पतंजलि के महाभाष्य, कालिदास के रघुवंशम, शूद्र के मृच्छकटिकम और बाणभट्ट के कृतहर्ष चरित। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो संध्या करनंदी के राम चरित और कल्हण के राज तरंगणी, ये हमें जानकारियाँ मिलती हैं इन रचनाओं से। अब चलते हैं प्राचीन काल की कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनको किस किस समय रचना किया गया था और उसके रचनाकार कौन थे, आइए जानते हैं इसके बारे में। सत सहसारिका सूत्र के रचनाकार नागार्जुन हैं, जिसे कुषाण काल में लिखा गया। बुद्ध चरित ग्रंथ की रचना अश्व घोष ने किया, जिसे कुषाण काल में लिखा गया। सौंदरानंद ग्रंथ की रचना अश्व घोष ने किया, इसे भी कुषाण काल में लिखा गया। कामसूत्र ग्रंथ की रचना वात्स्यायन ने किया, जिसे गुप्त काल में लिखा गया। मेघदूतम की रचना कालिदास ने किया था, वह समय गुप्त काल का था। सूर्य सिद्धांत ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने गुप्त काल में किया था। रावण बद्ध ग्रंथ की रचना भट्ट ने 5वीं शताब्दी में किया था। शिशुपाल बद्ध ग्रंथ की रचना माघ ने किया, वह समय 14वीं शताब्दी था। अब एक और विवरण के बारे में हम जानते हैं, विदेशी विवरण।
विदेशी विवरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण है हमें प्राचीन भारत को जानने के लिए। विदेशियों के वृत्तांत भी साहित्यिक प्रमाण के रूप में देखा जाता है। विदेशियों के वृत्तांत का विवेचन को तीन भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, जो इस प्रकार है, यूनान और रोम के लेखक, चीन के लेखक, अरब के लेखक। यूनान और रोम के लेखकों में सबसे प्राचीन हेरोडोट्स और टीसीएस के प्रमाण हैं। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है, जिसने 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किया था। इसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया। इसके साथ ही यह भी प्रमाण मिलता है कि टीसीएस एक ईरानी राजवैद्य था। टीसीएस क्या था? एक ईरानी राजवैद्य था। सिकंदर के साथ भारत आए यूनानी लेखकों में निर्याकस, अनासिक्रेट्स और अरिस्टोबुलस के प्रमाण मिलते हैं, ये पाए जाते हैं। अरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ द वार तथा अनासिक्रेट्स ने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। सिकंदर के बाद के लेखकों ने तीन राजदूतों मेगस्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस के नाम प्रमुख है। मेगस्थनीज ने अपनी रचना में इंडिका में मौर्य प्रशासन, समाज तथा संस्कृत का विवरण दिया है। अब आते हैं चीनी यात्रियों के वृत्तांत। चीनी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में फहान, हेनसांग और इत्सिंग का विवरण मिलता है, जो प्राचीन भारत के बारे में प्रामाणिक तथ्य प्रस्तुत करते हैं। चीनी यात्रियों में फहान, हेनसांग व इत्सिंग का विवरण इसलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए फहान की प्रसिद्ध रचना फो क्यों की अथवा ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज में गुप्तकालीन भारत के समाज, राजनीतिक, संस्कृत तथा बौद्ध धर्म की स्थिति का प्रभावपूर्ण विवरण प्राप्त किया गया। सुंग गयन 518 ईस्वी ने भारत में 3 वर्षों की यात्रा की और उस यात्रा के दौरान बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त की। हर्षवर्धन ने शासनकाल में भारत आए हेनसांग के यात्रा वृतांत सी यू की अथवा एसे ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड में तत्कालीन भारत की सामाजिक धार्मिक स्थिति का विवरण मिलता है। 7वीं शताब्दी में भारत आए इत्सिंग की पुस्तक ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस इन इंडिया एंड द मलय द्वीप समूह के विवरण भी महत्वपूर्ण है। मतवालीन के हर्ष के पूर्वी अभियान तथा चाउ जू कुआन ने चोल कालोन इतिहास पर प्रकाश डाला है। तिब्बत के लेखक लामा तारानाथ की रचनाओं कंगयूर तथा तंगयूर में भी प्राचीन भारतीय इतिहासों का विवरण मिलता है। अब अरब यात्रियों के बारे में जानते हैं। अरब यात्री सुलेमान अल बरूनी के विवरण एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करते हैं। 8वीं शताब्दी के अरब लेखकों ने भारत के विषय में लिखना आरंभ कर दिया था। 9वीं सदी के मध्य भारत आए सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार राजाओं के विषय में विवरण प्रस्तुत किया था और अल मसूदी ने राष्ट्रकूट राजाओं की महत्ता के विषय में महत्वपूर्ण विवरण दिया। अल बरूनी की रचना तहकीके हिंद अरबी भाषा में, जो गुप्त तरीकालीन समाज का विविधतापूर्ण विवरण मिलता है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी और जो भी वर्ड्स बोले गए उनको जरूर आप ध्यान रखिएगा, उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, समझ में सारी टॉपिक, सारे तथ्य आए होंगे और आगे हम क्रमशः इसके बारे में और भी विवरण लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।